बिग बॉस के घर के अंदर कल एक टास्क देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के पुतलों को लाते मारेंगे। एंड वहीं पर एक काफी बड़ा कांड हुआ है, करणवीर की धज्जियां उड़ा दी गई विवियन रैना के द्वारा सलमान खान के सामने, और जो बातें बोली हैं वो काफी मतलब कि करण को हिट की हैं, जिसके बाद करण का चेहरा देखने लायक जरूर होगा, जो कि आप देख लेंगे। मैंने तो देख लिया है, आप भी कल के एपिसोड में देख लेंगे। लेकिन क्या कुछ बोले हैं विवियन जिससे कि करण की यह हालत हो चुकी है, और करण ने विवियन को लात भी क्यों मारी है, वो सब बातें बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों होता है ऐसा है कि कुछ टास्क होने वाले हैं जिसके अंदर कंटेस्टेंट्स को बुलाया जाएगा एंड उनको कहा जाएगा कि आप किसको किक मार के बाहर करना चाहते हैं, मतलब एक पुतला है उसके ऊपर फेस लगाना है एंड फेस लगा के उनको किक करके रेस से बाहर करना है बिग बॉस के फिनाले की। जी हाँ, वहीं पर करणवीर की बारी आती है तो सलमान खान करणवीर से पूछते हैं कि भैया आप किन्हें बाहर करना चाहते हो और आपके टॉप 5 कौन है। तो जी हाँ, जहाँ पर करणवीर टॉप 5 तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको मैं यहाँ देखना भी नहीं चाहता। सबसे पहले वो नाम लेते हैं एलिस का, एंड एलिस को किक मार के ग्राउंड से बाहर कर देते हैं, मतलब रेस से बाहर कर देते हैं। एंड उसके बाद बारी आती है ईशा की, तो ईशा को भी रीज़न देते हैं कि ईशा मतलब इतना नहीं है इनका गेम, दिमाग है लेकिन खेल नहीं रहे हैं और बस कहीं ना कहीं फंस के बैठे हैं। एलिस और ईशा दोनों के लिए ये रीज़न देते हुए एलिस ईशा दोनों को किक कर देते हैं। और उसके बाद में बारी आती है अविनाश मिश्रा की, या अविनाश मिश्रा को लेकर कहते हैं कि ये मेरे लिए मैटर ही नहीं करता है, एंड उनको बिना रीज़न के किक मारते हुए अपनी रेस से बाहर कर देते हैं। एंड टॉप 2 रह जाते हैं करणवीर एंड विवियन रैना, जिसके बाद सलमान खान कहते हैं अरे टॉप 2 में विवियन तुम्हारे साथ है, ग्रेट। इसके बाद वो विवियन को भी किक मारते हैं और कहते हैं कि तुझे ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं से जा, और किक मार के बाहर कर देते और खुद विनर बन जाते हैं। लेकिन इसके बाद टास्क ये सेट, ये एक टास्क होने के बाद विवियन रैना अपना एक रिप्लाई देते हुए करणवीर को कहते हैं कि भैया तेरे को यहाँ भी मेरी जरूरत है, और पूरी रेस में मेरी वजह से ही तू वहाँ तक पहुँचेगा, इतना मेरे को पता चल गया अब जैसे तू कर रहा है, इसीलिए तू ये सब करता है। उसी के साथ साथ ये भी कहा है कि भैया तू मेरे से पहले चीज़ें सीखेगा भी एंड उसके बाद जेलस भी फील करेगा, ये दोनों चीज़ें तेरे को करनी है और ये मेरे को बखूबी पता चल गया है। जी हाँ, इन बातों के ऊपर आपका क्या है कहना, क्योंकि इन बातों को सुनकर करणवीर का रंग उड़ गया है चेहरे का। जी हाँ, देखने लायक है क्योंकि होश उड़ चुके हैं करणवीर के, और विवियन बैक टू बैक बैश करे जा रहे हैं, स्लैश मारे जा रहे हैं करणवीर के ऊपर। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, प्लीज़ कमेंट में बताना, और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें।